बैठ जाओ तुम वहाँ पे, बैठो बैठो बैठो, नंगे सर बैठ जाओ, क्या कर रहे हो आप, बैठो तुम वहाँ पे, वहाँ पे क्या तुम्हारी बात सुनो, बैठो तुम वहाँ पे, बैठ जाओ तुम वहाँ पे, ये कवाली खिलाड़ी नहीं है, कवाली खिलाड़ी नहीं है, ऐसे जलील नहीं किया जाता, कवाली खिलाड़ी नहीं है, इसकी साहब कवाली है, ये कवाली थी वो, ऐसे जलील नहीं किया जाता, कवाली थी वो, कवाली थी वो, नहीं वो कवाली थी वो, बैठ जाओ सर, बैठ जाओ सर, बस वही सवाल करने के लिए बैठा हुआ हूँ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, नहीं वो गलत है, जो कुछ हुआ वो गलत है, जो कुछ हुआ वो गलत है, जो कुछ हुआ वो गलत है, नहीं है, हाँ हाँ क्या यहाँ पर नाच को सुनना चाहता है, वो नाच को सुनेगा, वो नाच को सुनेगा, नाच को सुनाओ, दीनी मजलिस में नाच कराओगे तुम, बैठ आप हेलो हेलो, जब मुफ्ती साहब को मालूम था कि शब्बीर बरकाती आ रहे हैं तो मुफ्ती साहब को आना ही नहीं चाहिए था, यहाँ आना ही नहीं चाहिए था सर, आपको ऐसे जलील नहीं किया जाता, मुफ्ती साहब ऐसे जलील नहीं किया जाता है किसी को, ये इस्लाम नहीं है, मुफ्ती साहब मैं भी जलसा पढ़ रहा हूँ, ऐसे जलील, एक मेहमान को इस तरह जलील नहीं किया जाता है, ये कोई मुआजरा नहीं है, आप जान रहे थे कि शब्बीर आ रहा है, हजरत हेलो 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 हेलो, शांति हो जाइए, शांति हो जाइए, बैठिए बैठिए, शांति रखिए, बस बस बैठिए, आप लोग बैठिए, शांति बनाइए, आप लोग पहले शांति बनाइए, हेलो 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 माइक, आप लोगों के बीच अल्लामा तौसीफ रजा साहब स्टेज पे हैं, कम से कम इस बात का ख्याल रखे, तौसीफ पे मिलना आ चुके हैं, नारे तकबीर, नारे रिसालत, आमद हुजूर तौसीफ पे मिलना, आमद हुजूर तौसीफ पे मिलना, नबी रे आला हजरत शहजादे हुजूर रेहाने मिलना, इश्क मोहब्बत जो कुछ हुआ हम इससे भरी हैं, कल मत कहना के मौलाना शहरयार बैठे हुए थे उनके सामने मुजरा हुआ, ये क्या चीज है, क्या है ये, क्या है ये, तुम लोग कल दियोबंदी हो जाओगे, मैं दावे से कहता हूं, और दियोबंदी कल मजाक उड़ाएगा पूर्णिया का, तुम्हें मालूम है कि आसपास में सारे गैर मुकल्लिद हैं, ये सब कल मजाक उड़ाएंगे बरेलियों के जलसे का, कहेंगे बरेलियों का जलसा ही होता है, बरेलियों का जलसा यही होता है, क्या चीज है, क्या ये नाथानी है, यही नाथानी है, ये इको हटा दो, उसके बाद क्या, इको तुम हटा दो, मेरे मदरसे का बच्चा इससे अच्छी नाच पाता है, अरबी कॉलेज का बच्चा इससे अच्छी नाच पाता है, हुचुड़ हुचुड़ का नाम नाथानी है, क्या किया तुमने, सुन्नियत को बदनाम किया, बरेलवियत को बदनाम किया, मसल के आला हजरत को बदनाम किया, इसी का नाम जलसा है, इसी का नाम कॉन्फ्रेंस है, इसी का नाम सीरत का जलसा है, वो तो हम फंस गए मजमे में, हम बैठ गए, मुफ्ती जुबैर साहब भी फंस गए जो मजमे में बैठ गए, हम अपनी बरात का इजहार करते हैं, जो कुछ हुआ मुफ्ती साहब किबला भी अपनी बरात का इजहार करते हैं, ताकि कल मत बोलना के मनाजरे अहले सुन्नत काजिया सीमांचल बैठे हुए थे उनके सामने मुजरा हो रहा था, हम लोग इससे बरी, अगर रास्ता होता निकलने का तो हम निकल गए होते, वो रास्ता नहीं था, भीड़ की वजह से हम कुचल जाते, इसलिए हम नहीं निकले, मुफ्ती साहब भी नहीं निकले, बाकी रात के कितने बज रहे हैं, 2:10,
कितने बज रहे हैं टाइम देखो तुम, रात के 2:10 हो रहे हैं, 2:10 हो रहे हैं, मालूम है क्या हुआ इसमें? पब्लिक का चंदा इसीलिए हो रहा है। बैठ जाओ, अगर बिहार की इज्जत प्यारी है तो बैठ जाओ, अगर पूर्णिया की इज्जत प्यारी है तो बैठ जाओ। यह डांस करने के लिए जलसा होता है, चंदा होता है, बैठ जाओ सब। नाथ खानी वो नहीं है जो तुमने सुनी है, नाथ खानी वो नहीं है तुमने सुनी है, भीड़ जुटाने का नाम जलसा है, बैठ जाओ सब। अब अगर नाथ तुमने सुनी थी, उसको तुमने नाथ कहा था अपने हिसाब से, तो तकरीर कौन सुनेगा? कुरान की बात कौन सुनेगा? हदीस की बात कौन सुनेगा? इस्लामी तालीमात के बारे में कौन सुनेगा? अगर तुम ना सुने थे, बैठे रहते, तकरीर सुनते, तब होता कि चलो भाई पूर्णिया के लोगों ने नाद भी सुनी और तकरीर भी सुनी। अभी वो बैठने जा रहा है तो तुम सब उठ के भाग रहे हो, तुम्हारी वजह से हम लोगों की इज्जत और बदनामी होती है। बिहारी एक गाली बन के रह गया, जैसे कारोबार के एतबार से सारे लोग यहाँ से भीड़ लगाते हैं पंजाब दिल्ली में, वो तो अलग बात है, मजहबी तौर पर भी बिहारी एक गाली है, जिसका हम हाथ चूमते हैं, जिसका हम पैर चूमते हैं, वो हमारे जलसों की हरकतों को बयान करते हैं, वहां तकरीर नहीं होता। अभी मैं 4 दिन पहले हैदराबाद में था, वहां मेरी 2 घंटे की तकरीर हुई, एक बंदा नहीं उठा, सारे लोग गौर से तकरीर सुनते रहे, पुलिस वाले खड़े होकर तकरीर सुनते रहे, जबकि वहां कोई परमिशन नहीं था, लेकिन वो सारे लोग गौर से इस्लाम सुनते रहे, इस्लाम सीखते रहे। ये है तकरीर, ये है मुसलमानों का इस्लामी जज्बा। ये क्या है, बस हुचुड़ हुचुड़ सुने और भाग गए? ये कोई तरीका है क्या? ये कोई तरीका है क्या? ये नाक हो गई क्या? नहीं, मैं उससे बरी हूं। मैं कतान कभी नहीं पसंद करता हूं इस तरह के नाक खाने को। जो कुछ हुआ गलत गलत गलत। अब अगर जरा भी गैरत मौजूद है तो बैठ करके थोड़ी देर तकरीर सुन लो, कुरान हदीस की बात सुन लो जरा के बाद, और जो सारे लोग जोर से बोले दरूशी पढ़े, اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وعليه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله। इस तरह की मजलिसों से कुरान पाक की तिलावत होती है, कुरान पाक की तिलावत होनी चाहिए 1 घंटा, ताकि मुसलमानों का सीना हिल जाए, इनकी आंखें आंसू बहाएं। यहां कुरान पाक की तालीम के लिए मदरसा कायम होता है, मदरसे के जलसे में कुरान पाक की तालीम पे फोकस दिया जाता है, तो हमारे जलसे भी इस्लामिक एनवायरमेंट में होते हैं, यहां मुस्तफा की हदीस सुनाई जाती है। ये बता दें कि तुम लोग यहां क्या सुनने के लिए आए थे? ये नंगे सर क्यों आए थे? क्या करने आए थे? सिर्फ सुबिल बरकाती को सुनने आए थे? यहां जिसके साहब मर्तबे का ये आलम है कि बड़े बड़े उलमा जिनका हाथ चूमते हैं, उनके उनकी कोई इज्जत नहीं है, और तुम साहब एक दुनियादार आदमी की ना सुन रहे हो, तुम्हें मालूम है तुम्हें क्या सब हो रहा है? तकरीर सुनो, हदीस सुनो, और अपने स्टेट और अपने डिस्ट्रिक्ट को बदनाम मत करो। ये जलसा है, कव्वाली की महफिल नहीं है, यहाँ कुरान पाक की तिलावत होती है। आधा घंटा तक कुरान पाक की तिलावत होनी चाहिए, सरकारे दो जहानी सलाम की हदीस पाक की रिवायत होनी चाहिए, इस्लामी तारीख बयान करनी चाहिए। अब जलसा शुरू हो रहा है, यहाँ से गौर से सुनो। अल्लाह तबारक व तआला हमको और आपको सारे मुसलमानों को जलसे की कद्र करने की तौफीक अता फरमाए। जरा एक बार जोर से बोलो सुभान अल्लाह, हाथ उठा के बोलो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरून बिल मारूफ व तनहौन अनिल मुनकर। तुम बेहतरीन उम्मत हो, तुम बेहतरीन उम्मत हो जो लोगों की तरफ भेजे गए हो, और तुम्हारी ड्यूटी है, तुम्हारी ड्यूटी है नेक राह पे चलना, नेकी का पैगाम देना, और तुम्हारी ड्यूटी है बुराइयों से रोकना। ज़कात आपके खैरात, आपकी खैरात, आपके सदकात का क्या हमने इस्तेमाल किया? वो इसीलिए है साहब, नाते पाक पढ़ना इसीलिए है ताकि हमें मुस्तफा से मोहब्बत है, वरना सिर्फ नाते पाक पढ़ना ही हमारी गर्ज़ो कायस नहीं है। हमारा मकसद हयात है अल्लाह की इबादत करना। अल्लाह की इबादतों में कयामत के दिन ये सवाल ही नहीं होगा कि तुमने नात पढ़ी या नहीं पढ़ी। सबसे पहला सवाल होगा, हुजूर फरमाते हैं इन्ना अव्वल मा युहासबु बिल अब्द यौमल कयामत सलात, कयामत के दिन सबसे पहला सवाल नमाज का होगा। फातिहा अच्छी चीज है, मगर नमाज उससे बड़ी चीज है। जलसा जुलूस अच्छा काम है,
मगर नमाज पढ़ना उससे सबसे बड़ा काम है। मजारात की हाजिरी अच्छा काम है, मगर उससे बड़ा काम है नमाज पढ़ना। सरकारी आला हजरत का जो मसलक है वो मसलक यही है कि हाँ, नफल को नफल का दर्जा दिया जाए, फर्ज को फर्ज का दर्जा दिया जाए, वाजिब को वाजिब का दर्जा दिया जाए। ऐसा नहीं कि नफल को फर्ज बना दिया जाए, ऐसा नहीं कि साहब जो गैर जरूरी है उसको जरूरी का दर्जा दे दिया जाए। मसले के आला हजरत यही है कि फातिहा नफल है, नफल की हैसियत हो, जुलूस नफल है, जुलूस से मुहम्मदी की नफल की हैसियत रहे, और मजारात की हाजिरी नफल है उसकी हैसियत नफल ऑप्शनल की होनी चाहिए। सबसे पहला जो फर्ज आजम है वो नमाज है, फर्ज आजम नमाज है। दूसरा सबसे बड़ा फर्ज व रोजा है, एक फर्ज आजम जकात है, एक